जी, अब हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया और फर्स्ट राउंड में दोनों टीमों ने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिए हैं और दोनों टीम बराबर जा रही है। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि कौन सी टीम कितने मार्क्स देती है और कौन सी टीम जवाब नहीं दे पाती। अच्छा जी, आप राउंड टू का आगाज करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी टीम कितने मार्क्स लेती है। ठीक है अब्दुल्ला, आप मुझे एक पर्ची दें। जी, तो टीम ए आपसे सेकंड राउंड के का पहला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के वक्त लोगों की अमानतें किसके सुपुर्द की? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। वेरी गुड। अब्दुल्ला, एक पर्ची दें। तो टीम बी आपसे सेकंड राउंड का पहला क्वेश्चन है, मस्जिद के लघवी मायने क्या है? सजदा करने की जगह। वेरी गुड। अच्छा जी, टीम ए आपसे दूसरा क्वेश्चन है, तो टीम ए आपसे क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजरा की वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 6000। जी, तो टीम बी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद से निकलते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरा फजल तलब करती हूँ। जी, तो सेकंड राउंड में भी अभी तक दोनों टीमें बराबर जा रही हैं। अब हम टीम ए से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब्दुल्ला। अच्छा जी, अब सेकेंड राउंड का थर्ड क्वेश्चन है, अस्तगफिरुल्लाह से क्या मुराद है? अल्लाह पाक है। नहीं जी बेटा, आपने गलत बताया, अस्तगफिरुल्लाह से मुराद है मैं अल्लाह से बख्शीश चाहती हूँ। अच्छा जी, टीम बी आपसे सेकंड राउंड का थर्ड क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश को किस पहाड़ पर चढ़कर पुकारा? कुरैशी पहाड़। जी, तो टीम ए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ते अल्लाह ताला की कैसी मखलूक है? नूरी। वेरी गुड। जी, तो टीम बी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद में कितने सिपारे हैं? 30। वेरी गुड। जी, तो अब हमारे सेकंड राउंड में टीम ए ने एक क्वेश्चन गलत आंसर दिया एक क्वेश्चन का, और इस सेकंड राउंड में अब हमारी टीम ए जो है वो पीछे लग रही है मुझे।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अब मजीद क्या रिजल्ट आता है। जी तो टीम ए, कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। वेरी गुड। जी तो टीम बी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद की मदनी आयात कौन सी हैं? वो आयात जो आप पर हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई। नहीं बेटा, आपने गलत जवाब दिया। वो आयात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। चले जी, दोनों टीमें अब बराबर हो गई हैं, दोनों ने एक एक जवाब गलत दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं अब आगे मजीद क्या नतीजा निकलता है आपका। ठीक, टीम ए आपसे क्वेश्चन है, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? ये काबा। बेटा आपने मस्जिद काबा बोला है, मस्जिद कुबा है, तो हम इसको अब आपका हाफ क्वेश्चन, ठीक है, हाफ नंबर आपको इसके मिलेंगे, 0.5। बेटा आपने मस्जिद काबा बोला है, वो मस्जिद कुबा है, ठीक है, आपका जवाब गलत हुआ है। जी तो टीम बी आपसे अगला सवाल है, अल्लाह अकबर के मायने क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। जी तो अभी जो है टीम ए जो है दो सवाल के जवाब गलत दे चुकी है, जबकि टीम बी में अभी तक एक सवाल का जवाब उन्होंने गलत दिया है। जी तो अब राउंड सेकेंड राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, टीम ए आपसे सेकेंड राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लकब से मशहूर थे? सादिक और अमीन। जी तो टीम बी अब आपसे लास्ट क्वेश्चन है, जी तो टीम बी आपसे लास्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद में किस कुरान मजीद के कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? तेईस साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। जी तो अब हम अपने बोर्ड की तरफ देखते हैं कि अब दोनों टीमों का क्या है मुकाबला किस। अच्छा जी, टीम ए ने लिए 5 नंबर जबकि टीम बी ने लिए 6 नंबर। यानी कि टीम बी अभी हम लीड पर जा रही है। इसके बाद हम राउंड 3 शुरू करेंगे।
अच्छा जी, सेकंड राउंड में हमारी टीम बी टीम ए से ज्यादा मार्क्स लेकर जा चुकी है, तो आप टीम बी के लिए बहुत सारी क्लैपिंग करें। वेल डन टीम बी। अच्छा जी, अब हम थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे।